नमस्कार दोस्तों, न्यू नोटिफिकेशन अपडेट की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2021 एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन 20 सितंबर 2021 को रिलीज कर दिया गया था। इस वीडियो में हम जानेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका मोड ऑफ एग्जाम किस प्रकार से होने वाला है और सिलेबस के बारे में जानेंगे। सबसे आखिरी में कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि इसका कट ऑफ क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन सीटेट 2021। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट होता है और इस साल में 2 बार कराया जाता है। और इसको कंडक्ट CBSE दिल्ली कराती है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। और ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिससे आप गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो स्कूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक KVS, NVS, तिब्बतन स्कूल एंड एटसेट्रा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अंडर स्कूल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल ऑफ यूनियन टेरी ऑफ चंडीगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो और आपके पास इसका सर्टिफिकेट हो। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 2 स्टेज में होगा, पहला प्राइमरी स्टेज एंड दूसरा सेकेंडरी स्टेज। जो प्राइमरी स्टेज है वो क्लास 1 से 5 के लिए होता है और जो सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी यानी कि एलिमेंट्री जो स्टेज है, वो क्लास 6 से 8 के लिए है। सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास, यानी कि आपने 12th क्लास पास कर ली हो या फिर इक्विवेलेंट हो जो कि आपने एटलीस्ट यार 50% मार्क्स, यानी कि आपने 50% अंक प्राप्त किए हो और तभी आपने पास किया हो। अगर आप 40% मार्क्स लेके अगर आप 12th क्लास पास करते हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी समकक्ष क्लास पास करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपने फाइनल ईयर में अपेयरिंग कर लिया हो, डिप्लोमा कर रहे हो अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन से, एलिमेंट्री एजुकेशन का अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो और आप फाइनल ईयर में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए अदर और भी क्राइटेरिया दी गई हैं एजुकेशन की जो कि आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन की, अगर आपके क्राइटेरिया इनसे मैच करता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री स्टेज जो कि क्लास 6 से 8 के लिए होता है। फर्स्ट, ग्रेजुएशन पास्ट एंड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है या फिर आप फाइनल ईयर में है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिमेंट्री स्टेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी और भी इसके अंदर आप अदर्स क्राइटेरिया देख सकते हो क्वालिफिकेशन की, अगर ये क्राइटेरिया आपके क्वालिफिकेशन के साथ मैच करती है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो एलिमेंट्री स्टेज के लिए। आपको एक बात बता दूँ, आप सीटेट में एलिमेंट्री और प्राइमरी स्टेज दोनों के लिए ही एक साथ अप्लाई कर सकते हो या फिर आप दोनों में से किसी एक एक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप प्राइमरी और प्राइमरी के लिए करना चाहते हैं आप प्राइमरी कर सकते हैं अगर आपका क्वालिफिकेशन उससे मैच करता है, अगर आपका एलिमेंट्री से मैच करता है तो आप एलिमेंट्री के लिए भी कर सकते हैं या फिर आप दोनों के लिए ही कर सकते हैं, प्राइमरी और एलिमेंट्री स्टेज दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। हम इसमें वैलिडिटी की बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होती है। दोस्तों, जिसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए दी गई है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा और आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स लाने होंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। साथ में इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे तो आप इसमें 10 बार 20 बार जितनी बार चाहे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसमें अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आप फेल हो जाते हो या फिर आपके मार्क्स कम आते हैं तो भी आप इसके लिए आप दोबारा से फॉर्म फिल करके आप इसमें बैठ सकते हो और अपने मार्क्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो। हम एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, सबसे पहले प्राइमरी स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर 1 जो कि क्लास 1 से 5 के लिए होता है, इसके जो सेक्शंस हैं वो 5 सेक्शंस होने वाले हैं। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और एलिमेंट्री स्टडी इन्वायरमेंटल स्टडीज़। दोस्तों, मैं आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में आगे बताने वाला हूँ कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है क्या इस सेक्शन में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रखे गए हैं इन सेक्शंस के लिए सभी के लिए सेम रखे गए हैं 30, और जो नंबर ऑफ मार्क्स रखे गए हैं वो सभी के लिए अलग अलग 30 रखे गए हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए वो 150 हुए और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो भी 150 हुए। और टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन जो कि इस एग्ज़ाम को करने के लिए आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। आपको इस समय के अंदर अंदर एग्ज़ाम को क्लियर करना एग्ज़ाम को ख़त्म करना होगा। और जो आपको मार्क्स दिया जाएगा वो 1 मार्क्स दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपका क्वेश्चन गलत भी होता है तो।
और जो क्वेश्चन पेपर सेट होगा पहले से वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही सेट होगा इन सेक्शंस के लिए। सेकंड बात कर लेते हैं पेपर टू जो कि क्लास 6 to 8 के लिए होगा यानी कि एलिमेंट्री स्टेज का। इसके अंदर जो सेक्शन रखे गए हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 और जो फोर्थ है सेक्शन, इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा अगर आप मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, अगर आप सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस पढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आप मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस में से किसी एक को सेलेक्ट करोगे। अगर आप मैथ्स एंड साइंस को सेलेक्ट करते हो जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रखे गए हैं वो अलग अलग डिवाइड कर दिए जाएंगे, मैथ्स के लिए 30 और साइंस के लिए 30 कर दिए जाएंगे और मार्क्स भी उसमें 30-30 डिवाइड कर दिया जाएगा अलग सेक्शंस में। अगर आप सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस करते हैं सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी आपके 30-30 मार्क्स डिवाइड कर दिए जाएंगे इन दोनों सेक्शंस के लिए, इनको अलग बना दिया जाएगा। तो इसी हिसाब से जो इनका टोटल ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं वो भी 150 होंगे और जो मार्क्स होंगे वो भी 150 होगा। और इस एलिमेंट्री स्टेज के पेपर को भी करने के लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा पूरा का पूरा। अगर आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर अपने आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर अपने एग्जाम को क्लियर करना होगा। और हर एक क्वेश्चन के लिए इसमें भी 1 मार्क्स दिया गया है और जो आपका मेन क्वेश्चन पेपर होगा वो भी हिंदी और इंग्लिश में ही सेट किया होगा जो कि बाइलिंगुअल होगा। और दोस्तों जो इन पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 16 दिसंबर 2021 से लेकर 13 जनवरी 2022 के बीच में कंडक्ट होगा और इन डेट्स को आप याद रख लेगा। और अगर आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कोई जानकारी अगर कोई अपडेट्स आता है तो अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर अदर सोशल मीडियाज़ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आती है या फिर इसके एडमिट कार्ड आता है वो भी आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा, तो आप हमें फॉलो वहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में। जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वहाँ पे सेक्शन में दिया गया है वो इसलिए दिया गया है अगर आपके पास इसमें 20 लैंग्वेजेस दिए गए हैं, जब आप फॉर्म फिल करते हो सीटेट का तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप लैंग्वेज 1 के जो सेक्शन है तो जो आप पेपर देना चाहते हो लैंग्वेज 1 कौन सा रखना चाहते हो और जो लैंग्वेज 2 का पेपर देना चाहते हो कौन सा रखना चाहते हो। तो आपके पास कोड दिए गए हैं, आप इन 20 नंबर तक के कोड हैं यानी कि टोटल 20 लैंग्वेज होंगे, तो आप इन कोड को अपने फॉर्म में भर दीजिएगा। तो आप चाहे वो अगर आपको लगता है कि आप हिंदी इंग्लिश अच्छा जानते हैं, आप अलग अलग लैंग्वेज जो लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश देना चाहते हैं लैंग्वेज 2 आपके लिए हिंदी है तो आप ये भर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल आसामी से हैं, बंगाली से हैं, गुजराती है या फिर इनमें से कोई भी लैंग्वेज में जो आपके लिए कम्फर्टेबल हो आप वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप भर सकते हैं सीटेट के लिए। दोस्तों जिसका मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाला है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब इसके हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में इसका क्या सिलेबस होने वाला है, किस सेक्शन में से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, तो इसमें से जो आपका टॉपिक पूछे जाने वाला है वो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कॉग्निशन एंड इमोशन एंड एटसेट्रा। इन कुछ टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसकी और भी टॉपिक्स हैं जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं की है। तो इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आपको इसका जो पीडीएफ है हमारा आपको पीडीएफ हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी डिटेल सिलेबस देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पूछे जाने वाले हैं। तो लैंग्वेज 1 जैसे कि आपको बताया अगर आप कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो उसके लैंग्वेज में से क्या क्या पूछा जाएगा, लैंग्वेज कंप्रहेंशन, लैंग्वेज एंड एक्विजिशन एंड लैंग्वेज स्किल्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड लैंग्वेज जो आप सेकेंडरी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो एग्जाम देने के लिए उसमें भी कंप्रहेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में आपसे ज्योमेट्री, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा में से आपसे सब इन टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें से आपका कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS, लर्निंग प्रिंसिपल्स, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट एटसेट्रा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं और आपको मैंने ये भी बता दिया कि जो इसका पूरा डिटेल सिलेबस है वो आपको हम PDF के तौर पे दे देंगे, आप उसे सेव करके अपने पास रख सकते हो, इन फ्यूचर आप उसमें से देख सकते हो, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर 2, आप पेपर 2 का जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि एग्ज़ाम पैटर्न में जो सिलेबस होने वाला है जो फर्स्ट 3 सेक्शन है वो तो सेम ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अब हम इसके चौथे और सेक्शन की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स और साइंस, यानी कि अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं साइंस के करना चाहते हैं तो जो मैथमेटिक्स में से है वो नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स एक्ट्रा एटसेट्रा, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंस में फूड, मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, नेचुरल फिनोमेना एंड एटसेट्रा, इन कुछ टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साइंस में।
सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पेडोलॉजिकल इशू एंड एट्सेट्रा। तो इनमें से किसी एक में से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इनके अलग अलग टॉपिक्स हैं और इसमें भी सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको मैंने मेंशन कर दिया, जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब इसके हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि 2019 का है। तो जैसे कि मैंने दोस्तों आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो इसका एग्ज़ाम है वो साल में दो बार कंडक्ट होता है। तो पिछले साल जो 2019 में जुलाई और दिसंबर के सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी कट ऑफ क्या रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए दिसंबर 2019 का जो कट ऑफ गया था वो 87 गया था और जो जुलाई का था वो 90 गया था। इसी तरीके से ओबीसी में 85 फॉर दिसंबर 2019 एंड 82.5 फॉर जुलाई 2019। एससी और एसटी के लिए दिसंबर 2019 में सेम ही 80 था मार्क्स और जुलाई 2019 के लिए 82.5, दोनों के लिए ही सेम मार्क्स कट ऑफ गए थे। तो दोस्तों आप इन कट ऑफ को देख के अपनी तैयारी को कर सकते हैं ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो इन कट ऑफ के करीब हो या फिर इससे अच्छे हों, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए और आप किसी भी टीचिंग के लिए आप कहीं पे भी जाएं तो आपके वो मार्क्स अच्छे से काउंट हो और आपके लिए बेनिफिट हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।